सो इस वेक्टर में क्या होगा, इस क्वेश्चन में सिक्स वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज इंडिकेटेड इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। सो इसमें क्या होगा, देखिए हमको वेक्टर, दो वेक्टर को हेड टू टेल ऐड करना पड़ेगा, जब जाके उनका रिजल्टेंट अपने को मिलेगा। तो अगर उनका रिजल्टेंट जरूरी नहीं है कि वो हेड टू टेल रहे, वो किसी के हेड और टेल से वो हो सकता है कॉइंसाइड। सो अपने को अब इसमें कैसा दिखेगा, ए और बी से तो उनके हेड टू टेल हो रहे, पर उनके वेक्टर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, रिजल्टेंट अपने को एफ है, तो रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में ही रहना चाहिए, ठीक है ना। सो अगर अपन देखें तो अपने को क्या दिख रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें ऐसा ऐसा और ऐसा रहना चाहिए, दैट इज डी ई और एफ वेक्टर इस प्रकार से। सो अपने पास पॉसिबल वेक्टर एडिशन ये रहेगा, दैट इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 42, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजन ओरिजन 0.0 मूव्स इन स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्सवाई प्लेन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लीटर टाइम इज अंडर रूट 3.3, द पार्टिकल्स मेक्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। ओके, सो एक्स का अपने को कॉस थीटा ढूंढ के निकालना है, किसी आर आर एक्स का अगर अपन ढूंढे तो मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें उसका तो वो है अंडर रूट 3 आर, अगर अपने पास गिवन आर अपने पास गिवन वेक्टर है, आर अगर अपने पास गिवन वेक्टर है आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो ये है अपने पास अंडर रूट 3 बाय आर कॉस थीटा। नहीं, इस मेथड से नहीं होगा, इसको अपने को एक और अलग मेथड से करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसको अपने को 3 अंडर रूट 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप दैट विल बी इक्वल टू आपका टैन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स अंडर रूट बाय 3 रूट अंडर बाय 3 बाय रूट 3 tan inverse 1 by root 3 किसकी वैल्यू रहती है, that is right 30 degrees की, so answer should be A part। question number 43, consider an f vector f of 4 i cap plus 3 j cap another vector perpendicular to the f। इसका अपने को क्या करना पड़ेगा, a vector ये f vector into एक और multiply करना पड़ सकते कर सकते हैं अपन, इसका डॉट प्रोडक्ट जो रहेगा उसका 90 रहेगा। सो अगर अपन इसका वो निकाले क्या बोलते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका अपने को कैसा वो निकालना पड़ेगा, जो उसके परपेंडिकुलर रहे उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो रहे, अपन डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दो वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड अपन नहीं कर सकते। सो अपने को पता है इसमें आई कैप और जे कैप है, अपने को अब इसमें के कैप नहीं दिया गया, तो अपने को एक अपन एक लॉजिक लगा सकते हैं कि के कैप नहीं है। सो कोऑर्डिनेट इसमें क्या होता है, ये जो कोऑर्डिनेट्स जो रहते हैं ये समझ लीजिए, ये आपका जे कैप, ये वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट होगी, के कोऑर्डिनेट, तो ये जो होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे से आपके परपेंडिकुलर रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जो एक आपका के आपका जी कोऑर्डिनेट में है, दैट इज के 7 के अप, दैट इज सी पार्ट। एंगल बिटवीन वेक्टर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। देखिए ये जो है ए क्रॉस बी, अगर इसका मैग्नीट्यूड ये ऐसा है तो बी क्रॉस ए इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ऐसा रहेगा, मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन अलग है। सो अपने को क्या पता है, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अनइक्वल है मैग्नीट्यूड सेम है, तो आपका 180 डिग्री यानी पाई एंगल रहता है, दैट इज बी पार्ट। वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स इन 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप माइनस 5 प्लस 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप इन द एक्स एक्सिस। सो ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स,
The product of two vectors should be zero. The only vector which can be perpendicular to the x-axis. Okay. So, vector perpendicular to the both the vectors in x-axis. So, x-axis के ऊपर x-axis को कौन से दो vector perpendicular रहेंगे? So, ये अपने axis system बनाते हैं अपन. ये एक्सिस सिस्टम अगर बनाए तो इसमें क्वेश्चन इसमें देखिए. सो यहाँ पे 2i कैप -5j कैप यानी अपोजिट डायरेक्शन में -j कैप और +5k कैप. So, अगर अपन देखे तो इसको इनका जो अपोजिट डायरेक्शन वाले वो है वो इनको परपेंडिकुलर रहेंगे. यानी ये देखिए कलर चेंज करके दिखाते हैं. ये वैल्यूज लिख देता हूं मैं पहले 2i कैप -j कैप और +5k कैप. ठीक है ना. सो माइनस जे कैप को परपेंडिकुलर कौन रहेगा? माइनस जे कैप के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगा +j कैप. और नहीं, माइनस जे कैप के परपेंडिकुलर रहेगा +5k कैप और आपके इसके परपेंडिकुलर रहेगा k कैप के -5k कैप के j कैप. क्योंकि देखिए आपका 1k कैप, क्योंकि देखिए इसको अपन इसको फिगर किससे देखते हैं. ठीक है ना, ये आपका -5j कैप इधर है. ठीक है ना, ये -5j कैप आपका इधर है यार. हाँ, सो अपने को क्या करना पड़ेगा इसमें, तो अपने को इस साइड में इसके परपेंडिकुलर अपने को पता है इनके कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या एंगल रहता है. एक्स्ट्रा अपन मिटा देते हैं. अपन क्या करते हैं इसमें से एक्स्ट्रा मिटा देते हैं, एक्स्ट्रा जरूरत नहीं. ठीक है, ये रहेगा इसके परपेंडिकुलर जे कैप के और ये रहेगा आपके परपेंडिकुलर के गैप के. तो कि देखिए इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो रहेगा 90 डिग्री और इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो रहेगा आपका 90 डिग्री. ठीक है ना. सो 5j कैप +k कैप ये आंसर रहेगा, दैट इज सी पार्ट. वापस से समझा देते हैं क्या होगा. 5k कैप को परपेंडिकुलर रहेगा, 5k कैप को परपेंडिकुलर रहेगा 5j कैप. यानी एक वाई इस एक्सिस में ये रहेगा, इसको वैल्यू लिख देता हूं मैं 5j कैप और -j कैप के परपेंडिकुलर ये -j कैप के परपेंडिकुलर रहेगा +k कैप. मैग्नीट्यूड वही रहेंगे, डायरेक्शन उनके बदलेंगे, दैट इज सी पार्ट. अच्छा क्वेश्चन था ये. A unit vector perpendicular to A -3i cap +2j cap -3k cap and B -2i cap +4j cap +6k cap k cap is both. Okay, bottom and both is okay. So in both को perpendicular कौन रहेगा? So cos theta की value 0 रहती है अगर अपने को किसी भी vector को perpendicular करना है तो. So आपका जो क्या रहे, आपका क्या रहेगा देखिए. इसमें क्या करना पड़ेगा आपको देखते हैं, पहले इन सब के मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे. ठीक है ना, अपने को क्या करना पड़ेगा, अपना क्वेश्चन क्या कहता है पहले पढ़ो. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी. सो एक यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, इन वैल्यूज में से यूनिट वेक्टर कौन सा है जो परपेंडिकुलर रहेगा? हमको पता है सारे परपेंडिकुलर है, मतलब जो गिवन वैल्यू परपेंडिकुलर है वो कौन सी वैल्यू गिवन बुक परपेंडिकुलर है जो अपने को ऑप्शन में से ढूंढ के निकालनी है. सो अपने को पहले यूनिट वेक्टर ढूंढना है, मतलब बेसिकली. सो एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट और उस ए क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड. ठीक है ना. सो ए क्रॉस बी अगर अपन करेंगे
ए क्रॉस बी अपने को करना पड़ेगा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपने को निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैप जे कैप के कैप 3, 2, -2, 4, -3, +6 I cap minus J cap plus K cap. So इसको अगर अपन देखें I cap को तो 2 × 4 × -3 = -12 minus 4 × 2 × 6 = -12 -12 ये हो जाएगा यानी 0, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 आई कैप, ठीक है ना। फिर उसके बाद जे कैप को अगर देखे सो 2 × 2 आपका जे कैप अगर देखे सो 3 × 6 = 18 + 18 और आपका 2 × -3 = -6 -6 - 6 = +6 सो इट विल बी 24 जे कैप प्लस आपका आपका 3 × 6 = 18 आपका ये क्या रहेगा आई के इसका क्या वैल्यू के कैप की क्या वैल्यू रहेंगी 4 × 12 और 12 - - +12 और -4 दैट विल बी इक्वल टू -+16 के कैप प्लस इधर लेंगे सॉरी ये क्या लिख रहा हूँ बराबर। सो अब अपने को इसका क्या करना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालेंगे सो वो रहेगा 24 और इसका अपने को सम करना पड़ेगा। एक सेकंड, एक गलती हुई अपने से, एक सेकंड, -4 - -12 - -16 -18 × 2 ओहो ओके 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 ये प्लस रहेगा सॉरी पार्डन मी ये प्लस रहना चाहिए सो ये रहेगा 8 में से 16 गए 12 ये क्या ये कैप वाले जो सम होते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट में ये सबसे कॉमन मिस्टेक होती है ठीक है ना। और ये होता है 8 में से 16 गए 8 12 में से 4 गए 8 ये आंसर रहेगा आपका। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकाले तो इसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा आपका 12² + 8² दैट इज इक्वल्स टू 144 + 64 दैट इज 208 208 जो रहेगा आपका वो उसमें से कॉमन निकाल लीजिए 208 में से वो रहेगा आपका 4√3 कॉमन। अगर आप 4√3 को बाय 12 और बाय से ये करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए आपका ये माइनस रहेगा ना आखिर में यहाँ पे जूम इन ये माइनस रहेगा बीच में यहाँ पे सो ये आंसर रहेगा आपका सी पार्ट नहीं पार्डन मी ये सी पार्ट ही ना नहीं नहीं एक सेकेंड जे कैप ना पहले जे कैप आएगा ना अभी पॉजिटिव में आएगा वो ये नेगेटिव नहीं रहेगा ना
पॉजिटिव हो जाएगा ये। हाँ, मिस्टेक्स मिस्टेक्स मिस्टेक्स, तो ये रहेगा ए पार्ट। लाइव कैलकुलेशंस होते हैं जी, मिस्टेक्स तो होनी ही है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आई कैप एंड जे कैप विल बी, ओके यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द, यूनिट वेक्टर ढूंढना है तो यूनिट वेक्टर अपने को पता है कैसे ढूंढते हैं, एन कैप इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू, अगर देखे एट और एट का अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका एट और एट का क्रॉस प्रोडक्ट, सो वो आएगा ऊपर आएगा आपका आई कैप प्लस जे कैप, एट कॉमन आ जाएगा और इसका अगर अपन डॉट इसका मैग्नीट्यूड ले सो वो होगा एट और रूट टू, एट से एट कैंसिल, सो ये रहेगा आपका आंसर, नन ऑफ दीज रहेगा आपका आंसर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 48, एंड फोर्स ऑफ 4 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल कंपोनेंट बी, जैसे फोर्स ऑफ 5 न्यूटन है पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल अलॉन्ग अ पार्टिकल एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी, ओके फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल अलॉन्ग द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल कंपोनेंट बी कंपोनेंट बी, ओके सो हमको 5 न्यूटन की एक फोर्स से एक पार्टिकल पे एक्ट कर रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहना चाहिए ये पूछा गया है। सो फोर्स जो होती है कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, जो भी आर एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर गिवन इज अ गिवन वेक्टर, सो गिवन वेक्टर है अपने को 5 cos 60 दैट इज 1/2 दैट इज 2.5 न्यूटन इज योर आंसर दैट इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 49, इफ ए इज इक्वल टू 3i cap + 4j cap एंड बी इज इक्वल टू 7i cap + 24j cap द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज बी एंड पैरेलल टू ए सेम एज मैग्नीट्यूड वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड, अपने को क्या करना पड़ेगा देखिए इसको अपने को ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर सकते हैं हम लोग ऐड कर सकते हैं पर having the same magnitude as B and parallel to A, having the same magnitude as B as parallel to A, अगर आपने को दो वेक्टर दिए गए हैं A and B, एक वेक्टर जो इसका मैग्नीट्यूड इज सेम एज B और हो वो हो parallel to A, ठीक है ना जी। सो अपन क्या करेंगे देखते हैं, तो क्या करना पड़ेगा पहले अपने को A वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना पड़ेगा, फिर अपने को B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढना पड़ेगा, फिर अपन क्या करेंगे A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अपन A वेक्टर को अपन A वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके इनटू B वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहेगा अपना आंसर। देखते हैं अपन यहाँ पे करके इसको कि A वेक्टर A वेक्टर का अगर अपन मैग्नीट्यूड ढूंढे दैट इज 3 square 4 square दैट शुड बी इक्वल टू 5, अगर हम लोग B वेक्टर का मैग्नीट्यूड ढूंढे दैट शुड बी इक्वल टू 15, नहीं इसमें B वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रह रहा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का वो क्या है 7 और 24, हाँ 7 square + 24 square दैट इज 576 49 625 दैट इज 25। बेसिक कैलकुलेशन है, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ मैं। अब ए वेक्टर का, ए का जो अगर अपन यूनिट वेक्टर इनटू बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अपना गिवन आर वेक्टर रिजल्टेंट अपने को जो चाहिए, सो क्या होगा देखती है, बी वेक्टर इज 25, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज
3i cap plus 4j cap इंटू 5, ये कैंसर 5, तो अपना आंसर आएगा ये वाला आंसर डी पार्ट. द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर i cap plus 3j cap plus 2k cap एंड माय 3 माइनस i cap plus 6j cap minus 7k cap so that the resultant vector is a unit vector along the y-axis should be the vector that must be added to these two vectors so that the resultant should be an vector to the y-axis. Okay, so to y-axis apne ko kya karna padega, inko pehle add karo. अपने को ऐसा करना पड़ेगा कि अपने को i cap और y axis आपको एक resultant जो आए वो along the y axis रहे, यानी उसकी x axis की value 0 है, उसकी z axis की value 0 है. तो अपने को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये given लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे i cap plus 3j cap plus 2k cap. एक सेकंड i cap minus 3j cap plus 2k cap और minus 3 i cap plus 6j cap minus 7k cap 3 i cap plus 6j cap minus 7 के कैप. अब इसको क्या करें, अब इसको मैं आपको एक वो बता देता हूँ क्या कर सकते हैं हम इसको. अब अपन क्या करना है, इसको अपने को ऐड इजी प्लस सी इज इक्वल्स टू जे कैप ऐड ऐसा करो कि अपने को सी ऐसा आए जो अपने को जे कैप की वैल्यू दे, जे कैप की वैल्यू ऐसी आ गई अपने को, ठीक है ना. तो अपन बेसिकली लॉजिक ये लगा सकते हैं माइनस 5 कैप माइनस 7 कैप प्लस 2 के कैप इस माइनस 5 कैप, वहाँ जाके वो प्लस 5 के कैप बन जाएगा. ओके, माइनस 6 के जे कैप और माइनस 3 जे कैप वो हो जाएगा माइनस 3 जे कैप. ओके, जब वो माइनस 3 जो माइनस प्लस 3 जे कैप वहाँ जाके माइनस 2 जे कैप. सो अपना आंसर ये डायरेक्टली यहाँ पे मेंटली भी अगर हम कैलकुलेट करें सो ये बी पार्ट हो जाएगा. तो कि देखिए अपने को ऐसा चाहिए जो आपके अगर अपन इन दोनों को ऐड करें और उस इस वाले आंसर को अपन ये और ये दो ऐड करेंगे तो अपना आंसर आई एक्सिस में एक्स एक्सिस में और जेड एक्सिस में जीरो आना चाहिए और सिर्फ आपके वाई एक्सिस के अलॉन्ग उस वेक्टर को आना चाहिए. हेंस द आंसर इज बी पार्ट. बहुत फास्ट कैलकुलेशन करना पड़ता है. क्या होता है, पेपर में आपको टाइम कम रहता है, ऐसे मेंटली आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, आपको अप्रोच वैसा रखना पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 51. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप इस लेंथ अलोंग द प्लेन इज. अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय xy प्लेन अगर अपने को चाहिए इस लेंथ अलोंग द xy प्लेन. ओके, सो अगर अपन लेंथ अलोंग xy प्लेन की बात करें सो अपने को i v cos थीटा माइनस j cos थीटा अप्लाई करना पड़ेगा. सो इसमें क्या होगा, देखिए